मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम इंसर्ट मेन्यू में मौजूद टेक्स्ट के ऑप्शन पे आए तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स से हमारे डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसमें मौजूदा डिजाइनिंग को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल हैं। इनमें से हम किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करें तो वो स्टाइल हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट खूबसूरत हो जाएगा और हम अपने जरूरत के मुताबिक इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकेंगे। और मोर टेक्स्ट बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हम मज़ीद टेक्स्ट बॉक्स हासिल कर सकते हैं। अब इसमें से अगर मैं इस स्टाइल को पसंद करूं, मैं इस स्टाइल पे क्लिक करूं, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है। अब हम इसे अपनी मर्जी से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें तो आप देखिए फॉर्मेट का टैब हमारे सामने आ गया। अब हम इसमें शेप ऐड कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फिल और नॉन फिल के ऑप्शन हैं। तमाम ऑप्शन हमारे पास वही हैं जो हम पिक्चर्स या दूसरे ऑप्शंस में देख चुके हैं। इसकी रैपिंग को हम चेंज कर सकते हैं, हमें इसे टेक्स्ट के किस हिस्से में रखना है, इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूं तो आप देखिए हमारे टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो छोटा हो गया, और अगर मैं इसे पकड़ के बड़ा करूं तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करके उसे मजीद खूबसूरत भी बना सकते हैं और किसी खास पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए उसमें लिखकर हाईलाइट भी कर सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देती हूँ और हम दोबारा इंसर्ट मेन्यू में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एक्सप्लोर क्विक पार्ट। आपने देखा हमने अपने डॉक्यूमेंट में शेप ऐड की, पिक्चर्स ऐड की, स्मार्ट आर्ट या शॉर्ट आर्ट किए तो वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की गैलरी में सेव है और हम वहां से लेकर यूज कर लेते हैं, हमें उन्हें बनाने पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरह से किसी सेंटेंस को या किसी शेप को हमें बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत है तो हम इसे क्विक पार्ट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की गैलरी में ऐड कर देते हैं और जैसे ही हमें उसकी जरूरत हो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई शख्स किसी कंपनी में जॉब करता है और उसे बहुत से डॉक्यूमेंट जो है वो इश्यू करना पड़ते हैं और हर एक के नीचे उसे लिखना पड़ता है, अपना रेफरेंस देना पड़ता है, तो वो इस रेफरेंस को क्विक पार्ट में ऐड कर देगा और उसे बार बार वहीं से लेकर यूज कर लेगा, उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर कोई मैनेजर है और उसे डिफाइन करना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट मैनेजर ने इश्यू किए हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैंने सेल मैनेजर लिख दिया, यानी कि वो शख्स सेल मैनेजर है और हर डॉक्यूमेंट के नीचे उसे लिखना पड़ता है क्योंकि वो सेल से रिलेटेड मामलात को देख रहा है। तो मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद मैं इससे क्विक पार्ट की तरफ आऊंगी और क्विक पार्ट में सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी इस पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो यहाँ हमें उस पार्ट को जिसे हम क्विक पार्ट के तौर पे ऐड करना चाह रहे हैं उसका नाम रखना पड़ता है, तो हम इसे शॉर्ट नेम दे सकते हैं या लॉन्ग नेम दे सकते हैं। जैसे मैं SM का नाम दे देती हूँ और नीचे गैलरी भी क्विक पार्ट है, कैटेगरी जनरल है, डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिख लू, अदरवाइज मैं यहाँ जस्ट नेम लिखकर ओके करूंगी। तो अब ये वर्ड जो है वो हमारा क्विक पार्ट में ऐड हो चुका है। अब या जब भी हम इस वर्ड को यूज करने की जरूरत होगी तो हम क्विक पार्ट में जाके इसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने माउस का कर्सर नीचे लेके आऊं और मुझे यहाँ ये सेल मैनेजर का वर्ड ऐड करने की जरूरत है तो मैं जैसे ही मैं क्विक पार्ट पे आके क्लिक करूंगी तो आप देखें नीचे डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन सबसे ऊपर जनरल में हमें वो ऑप्शन मौजूद है जिसे हमने क्विक पार्ट में ऐड किया था SM। अब अगर मैं इस नेम को सेलेक्ट करूं, इस पे क्लिक करूं तो आप देखें सेल मैनेजर यहां लिखा हुआ आ गया। हम एक से ज्यादा वर्ड भी क्विक पार्ट में ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं इस अपने पैराग्राफ को क्विक पार्ट में ऐड करना चाहती हूं, मैं इसको सिलेक्ट करती हूं और क्विक पार्ट पे आती हूं, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। अब वो मुझसे नाम पूछ रहा है तो मैं इसका नाम EV लिख देती हूँ और ओके कर देती हूँ।
और अब मेरे माउस का कर्सर जहाँ है और हमारे पास क्विक पार्ट गैलरी में दो वर्ड मौजूद है, तो अब जैसे ही मैं क्विक पार्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें एवी और एसएम दोनों हमारे पास मौजूद हैं। इसमें हमारे पास पैराग्राफ है तो यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास वर्ड सेल मैनेजर है तो सेल मैनेजर लिखा हुआ है। इसमें से मुझे जिस चीज को भी ऐड करने की जरूरत है वो मैं करूंगी। अगर मुझे इस पैराग्राफ को ऐड करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर था वहां पे वो पैराग्राफ ऐड हो गया, तो पहले हमारा पेज यहाँ तक था। इस तरह से हम कोई भी वर्ड जिसे हमें बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है उसे क्विक पार्ट में ऐड कर देते हैं और जब हमें उसकी जरूरत होती है हम उसे यूज कर लेते हैं। मैं वापस अपने माउस का कर्सर यहाँ लेके आती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट का ऑप्शन हम पहले भी डिफरेंट जगहों पे देख चुके हैं, पिक्चर्स में देख चुके हैं, स्मार्ट आर्ट में देख चुके हैं, चार्ट में देख चुके हैं, शेप में देख चुके हैं। लेकिन इससे पहले जिस जगह पे भी हमने स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन को देखा है तो वहां पहले हम टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और स्मार्ट आर्ट का जो स्टाइल सिलेक्ट करते हैं वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट पोर्शन में जो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मौजूद है इसमें क्लिक करने पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। पहले हम स्मार्ट आर्ट का स्टाइल सिलेक्ट करते हैं और फिर टेक्स्ट लिखते हैं और वो उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है जो हमने सिलेक्ट किया है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखिए वर्ड आर्ट के तमाम वही स्टाइल है जो पहले हम देख चुके हैं। इसमें से अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास एक बॉक्स आ गया। मैं इस बॉक्स की जगह चेंज भी कर सकती हूँ और यहाँ अगर मैं टेक्स्ट लिखूं, मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ एफर्ट फॉर सक्सेस, मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया तो आप देखें इस पे वही स्टाइल अप्लाई हो गया जो स्मार्ट आर्ट का स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया था। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आए तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉप कैप है। पहले ये मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ और वापस अपने पैराग्राफ को नॉर्मल करती हूँ। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आए तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉप कैप है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर या बुक में लिखा होगा कि किसी पेज पे कोई वर्ड तीन या चार लाइनों पे फैला हुआ है और उसके बाद आगे टेक्स्ट लिखा होता है तो ये एलिमेंट खूबसूरती पैदा कर रहा होता है। मैं इस डब्ल्यू को सिलेक्ट करूँ, ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो वो हमारे हमें कह रहा है नन से हमारे पास कोई ड्रॉप कैप नहीं आएगा, ड्रॉप से हमारा ड्रॉप कैप हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा और इन मार्जिन वो हमारे उस मार्जिन एरिया में आएगा जो मार्जिन एरिया हमने छोड़ा हुआ है। नॉर्मली इस सेमी प्रिंट होने का भी थोड़ा सा इशू रहता है तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ड्रॉप सिलेक्ट करें और ज्यादा खूबसूरत भी वही लग रहा होता है। अब मैं ड्रॉप पे सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये हमारा सिलेक्ट हो गया। मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये हमारा तीन लाइनों के इक्वल है, जो डिफॉल्ट हमें दिया होता है वो हमारा तीन लाइंस के इक्वल होता है। अब अगर इसे हमने चेंज करना है तो हम ड्रॉप कैप पे आएंगे और ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा। ऊपर वही ऑप्शन है जो पहले हमने देखे हैं कि नन है, ड्रॉप्ड है और मार्जिन है और नीचे हमारे पास लाइन टू ड्रॉप कि कितनी लाइन पे ड्रॉप करना है, यहाँ तीन है। अगर मुझे तीन से ज्यादा लाइनों पर ड्रॉप करना है, मैं इसे पांच लाइन पर ड्रॉप करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पांच लिखूंगी, पांच लिख के ओके करूंगी तो आप देखें हमारा W पांच लाइन के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं वापस इसे तीन लाइन के इक्वल करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा ड्रॉप कैप पे आऊंगी और ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आऊंगी, यहाँ वापस तीन लिखूंगी और ओके करूंगी तो ये हमारा वापस तीन लाइन के बराबर आ गया। अब ड्रॉप कैप में वापस आऊं तो यहाँ एक और ऑप्शन है नीचे डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। यहाँ टेक्स्ट से हम कोई फासला नहीं होता, जीरो सेंटीमीटर होता है। अगर आप इस फासले को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। आप जैसे ही इस फासले को बढ़ाएंगे तो आपका टेक्स्ट का फासला ज्यादा होता जाएगा। अब मैं यहाँ 0.6 सेंटीमीटर किया है, मैं ओके करूंगी तो आप देखें ये टेक्स्ट का फासला ज्यादा हो गया लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा होता और नॉर्मली हम इस तरह यूज भी नहीं कर सकते तो मैं इस ऑप्शन को वापस नॉर्मल कर देती हूँ। मैं वापस यहाँ पे इस नॉर्मल करके ओके करती हूँ तो हमारा फासला नॉर्मल हो गया। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।